हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम बैक अगेन टू एडिवर्ड्स चैनल मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एडूवर्ड्स चैनल पे तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमने ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर की किताब की सीरीज़ को स्टार्ट किया था 400 क्वेश्चन 400 हंड्रेड क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली कम्प्लीट कर लिया है अभी सिर्फ हंड्रेड क्वेश्चन बाकी हैं हार्डली आपको इस पर दो वीडियोस मिलेंगे फिफ्टी क्वेश्चन जैसे आप डेली कवर कर रहे थे ओके okay. उसका लास्ट बट वन पार्ट है और उसके बाद कल हमारा जो है लास्ट पार्ट भी आ जाएगा इसका और आपको जो है जल्द से जल्द यू नो एग्ज़ाम से पहले सब कुछ आप रिवाइज कर सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं और आपको ब्रीफ़ आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आपको तैयारी भी करनी चाहिए ओके okay. तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को एडूवर्स चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं जितने भी आपके हमारे द्वारा और हमारे जो दूसरे एजुकेटर्स हैं प्रकाश जी राइट दूसरे वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे ओके okay? और अब अगर आप चाहते हैं कि हिंदू एनालिसिस भी देखें तो रोज़ जो है सुबह में आपको हिंदू एनालिसिस का भी हमारे चैनल पे अपलोड हो जाता है बहुत डिटेली एनालिसिस करते हैं okay? तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन है एम एस डॉस इज डैश बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस डॉस के बारे में मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया था आपको एम एस डॉस मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों ओके okay? दोबारा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम एस डॉस का फुल फॉर्म क्या है ओके माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कभी कभार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं तो याद रख लीजिएगा ओके सो एम एस डॉस इज ए नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों ओके okay. ये कौन सा है ये नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है माफ कीजिएगा मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है ओके okay, और ये 86 सिक्स डॉ से डिराइव किया गया है दोस्तों डैट वॉज क्रिएटेड फॉर आई बी एम कम्प्यूटर्स आई बी एम कंप्यूटर्स के लिए इसको डिज़ाइन किया गया और कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि नाइनटीन एटी वन में माइक्रोसॉफ्ट में आ गया था तो चलिए इसका एम एस डॉ से डैश बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो अभी बताया मैंने कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलिंग इज़ यूज इन द ट्रांसफर ऑफ डेटा एज कम्युनिकेशन इन इंटरनेट तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन फॉर टी सी पी पहले मैं इसका फुल फॉर्म बता रखा हूं देखिए सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं अभी तो टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन ओके सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के दिस अ कम्युनिकेशन इन द ट्रांसफर ऑफ डेटा एज ए कम्युनिकेशन इन द इंटरनेट दोस्तों राइट चलिए नेक्स्ट देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है टू रिमूव डेटा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल इन एक्स एक्सेल वी यूज डैश की कौन सा की हम यूज करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री होगा दोस्तों डिलीट ओके टू रिमूव द कंटेक्ट ऑफ सेलेक्टेड सेल्स फ्रॉम एक्स एम एस एक्सेल से अगर आप कोई कंटेंट को निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट डिलीट की प्रेस कीजिएगा की से आपको मिल जाएगा तो निकल जाएगा दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रैम की बात करें तो ऑप्शन थ्री होगा इट स्टोर डेटा इवन वन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ ओके रैम का फुल फॉर्म तो आप सभी लोगों को पता है क्या है रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी ये क्या होती है दोस्तों एक वो लोटाइल मेमोरी होती है वो एक वो लोटाइल मेमोरी होती है यानी जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ तो सारा डेटा गया हाथ से ओके नेक्स्ट देखते हैं टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ यूज तो ऑप्शन फोर सेव हो गया द सेव कमांड इज़ यूज या अगर आप कुछ शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं फ्रॉम कीबोर्ड uh, से अगर आप सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस येस दबाइएगा सेव हो जाएगा राइट right? uh, फिर सेव ऐस का भी एक कमेंट होता है दोस्तों विच इज़ यूज टू सेव द रिवाइज डॉक्यूमेंट तो अगर दूसरा नाम से आप सेव करना चाहते हैं तो सेव ऐस भी आप कर सकते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे ऑफ राइटिंग ई मेल एड्रेस ई मेल तो अस तो कुछ कॉमन है आई थिंक आपको पता भी चल जाएगा पहले जो है हमारा नेम आता है ओके ई मेल एड्रेस इज मेड अप ऑफ लोकल पार्ट उसके बाद एट द रेट सिंबल आता है देन डोमाइन पार्ट आता है ओके लोकल पार्ट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है लोकल पार्ट आपका नाम हो सकता है या किसी कंपनी का नाम हो सकता है राइट right? या फिर आप कोई शॉर्टकट नेम रखना चाहते हैं निक नेम रखना चाहते हैं सब कुछ उसके बाद आपको क्या आता है एट द रेट आता है दोस्तों उसके बाद डोमाइन नेम आता है डोमाइन नेम क्या होता है जी मेल डॉट कॉम याहू डॉट कॉम इस तरह से होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन टू इज़ द राइट आंसर पहले जो है लोकल पार्ट आ गया शाजी जीरो जीरो सेवन नाम आ गया उसको एट द रेट यूज़ किया जी मेल डॉट कॉम वॉट इज़ अ की बोर्ड शॉर्टकट फॉर मेकिंग ए सेलेक्टेड टेस्ट इन वर्ड हैज बोल्ड की बात करें तो ऑप्शन टू दैट इज कंट्रोल प्लस बी ठीक है चलिए सेवेंटी थाउजेंड बाइट्स इज इक्वल टू ऑप्शन वन सेवेंटी के बी दोस्तों ओके सेवेंटी थाउजेंड बाइट्स क्योंकि क्या होता है वन थाउजेंड बाइट्स इज इक्वल टू टेन के बी होता है याद देखिए सो वन थाउजेंड ये भी इंपॉर्टेंट है बाइट्स इज इक्वल टू टेन के बी राइट तो सेवेंटी थाउजेंड बाइट्स इज इक्वल टू सेवेंटी के बी सिम्पल नेक्स्ट देखते हैं टू मूव टू द बॉटम ऑफ वोट डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कीज शुड बी यूज तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन फाइव होगा कंट्रोल प्लस एंड हो चुका है नेक्स्ट द मेन पेज ऑफ द वेबसाइट इज नोन एज ऑप्शन वन होम पेज जिसे कहते हैं दोस्तों हम लोग ये होम पेज और इंडेक्स पेज इज इनिशियल और मेन वेब पेज ऑफ वेबसाइट इट समाइम कॉल्ड फ्रंट पेज भी कहा जाता है इसको क्या कहते हैं इसको होम पेज को हम लोग फ्रंट पेज भी कहते हैं ओके चलिए नेक्स्ट पर्सन हु यूजर्स इज एक्सपीरियंस टू गेन एक्सेस टू अदर पर्सन कंप्यूटर टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली इज नोन एज ऑप्शन वन हो गया हैकर आपके कंप्यूटर को या आपके डिवाइसेस को हैक कर लेते हैं दोस्तों जो कि इलीगली आपकी इन्फॉर्मेशन को वो लोग सप्लाई कर देते हैं बेच देते हैं किसी और को नेक्स्ट व्हाट डस पी स्टैंड्स इन सीपीयू पी एक स्टैटिक पार्ट है ओके सी पी का फुल फॉर्म क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ओके सभी लोग जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया ओके पी स्टैंड्स फॉर प्रोसेसिंग दोस्तों ऑप्शन वन इज़ द राइट आंसर वॉट डस वायरस स्टैंड फॉर ये भी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं सारे इसलिए मैं थोड़ा स्पीडअप कर रहा हूँ वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर दोस्तों ओके से कंप्यूटर वायरस से कोई भी प्रोग्राम हो सकता है या कोई कोड हो सकता है ओके okay, जो आपके मर्जी के बगैर ओके okay, आपके कंसेंट के बगैर ही आपके कंप्यूटर में घुस जाता है इट कैन डिप्लिकेट द इट कैन इट कैन मल्टीप्लाई दम सेल्फ इन ए कंप्यूटर नेक्स्ट वॉट इज अच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट ए वर्जन ऑफ एम एस ऑफिस दोस्तों कौन सा एम एस ऑफिस का वर्जन नहीं है देखिए एम एस टू थाउजेंड तो था एम एस टू थाउजेंड थ्री भी था सेवन भी था अभी टू थाउजेंड टेन भी है अभी टू थाउजेंड थर्टीन भी आ चुका है बट एम एस विस्टा ऐसा कोई वर्जन ही नहीं था विंडोज विस्टा था आपको ओके विस्टा इज़ ए यू नो वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम याद रख लीजिए इट्स नॉट ए वर्जन ऑफ पावर पॉइंट या फिर एम एस ऑफिस तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा थ्री एम एस विस्टा इज़ द राइट आंसर डैश इज़ अ प्रोसेस टू फाइंड एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड क्या प्रोसेस है जो हम सॉफ्टवेयर कोड में एरर्स पहचान सकते हैं तो ऑप्शन है डी बगिंग दोस्तों डी बगिंग क्या होता है देखिए मेथडिकल प्रोसेस होता है ओके ऑफ फाइंडिंग एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ बक्स समझ गया सो so, बक्स को रिड्यूस करने के लिए किसी प्रोग्राम में डी बगिंग का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों नेक्स्ट इन ए बिल्डिंग द नेटवर्क थ्रू विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू लैन इज कॉल्ड ऑप्शन टू इंट्रानेट कहते हैं दोस्तों ओके सो इंट्रानेट एक uh, समझ लीजिए आप एक Uh, क्या कहते हैं इसको हाँ जेनेरिक टर्म है इसको ठीक है एक जेनेरिक टर्म की तरह इसे यूज़ किया जाता है विच यूज़ फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क्स विध इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक इन इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी शेयर की जाती है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर सर्विसिंग जो विद इन ए होता है ना तो उसके लिए हम इंटरनेट का टर्म यूज़ करते हैं ए सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन फॉर रिट्राइविंग प्रेजेंटिंग एंड ट्रांसफर्सिंग इन्फॉर्मेशन रिसोर्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज नोन एज तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज़ ऑप्शन टू हो गया ब्राउजर दोस्तों क्या है ब्राउजर ओके ए डैश इज़ अ प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर इजियर टू यूज़ तो दैट इज़ ऑप्शन टू यूटिलिटी ओके याद रख लीजिए इन कंप्यूटर यूटिलिटीज़ अ स्मॉल प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स एन एडिशन टू द कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों नेक्स्ट हाउ मेनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर कितने जनरेशन कंप्यूटर्स है पहले भी मैं हम एक एक जनरेशन एक एक वीडियो में मैंने कवर किया है डिटेलली तो टोटल है फाइव जनरेशन दोस्तों इसमें मैं थोड़ा डेट्स लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए सो फर्स्ट जनरेशन जो है नाइनटीन फोटी टू से लेकर नाइनटीन फिफ्टी फाइव तक हुआ था ओके ये नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन की बात करें तो नाइनटीन फिफ्टी फाइव से लेकर नाइनटीन सिक्सटी फोर तक हुआ था दोस्तों ओके थर्ड जनरेशन जो है आपको नाइनटीन सिक्सटी फोर से लेकर कब तक तो हुआ था नाइनटीन सेवनटी फाइव से हुआ था ओके सो फोर्थ जनरेशन की बात करें तो नाइनटीन सेवनटी फाइव से अभी तक चल रहा है अभी फिफ्थ जनरेशन भी आ गया प्रेजेंट अभी टाइम देख रहे हैं आप दो हज़ार ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी वन यहाँ से फिफ्थ जनरेशन भी शुरू हो चुका है बियॉन्ड द टेक्नोलॉजी कहीं बोलते हो अभी पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है दोस्तों राइट right? नेक्स्ट देख लेते हैं देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है फोर ट्वेंटी की बात करें ए एस सी आई आई बहुत बार मैंने बताया है आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ओके एक स्टैंडर्ड कोड है जो अगर आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ओके एंड इट्स ए सेवन बिट बाइनरी इंटरचेंजर होता है और वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट किया जाता है दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं ए प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज इज रेफर्ड टू ए सोर्स कोट याद रख लीजिए सोर्स कोट राइट कंपाइलर को यूज किया जाता है दोस्तों टू कन्वर्ट इन टू द लैंग्वेज द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्न डेटा टू इन्फॉर्मेशन ओके नेक्स्ट फ्लॉपी डिस्क इज ए फ्लॉपी डिस्क होता क्या है दोस्तों ऑप्शन टू फ्लॉपी डिस्क इज ए परमानेंट मेमोरी क्योंकि फ्लॉपी डिस्क में अब एक बार अपने इंफॉर्मेशन को राइट कर दिया तो वो लॉस्ट नहीं होगा वो गमेगा नहीं ठीक है नेक्स्ट एट विच प्लेस इज ए करसर सेटअप एज ए हैंड इन कंप्यूटर तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री हाइपर लिंक दोस्तों ठीक है जब कोई भी कोई डॉक्यूमेंट में ना कोई डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक आ जाती है हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है कोई भी लिंक आपको दे दिया जाता है पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक दे दिया जाता है ठीक है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो रीड यू ना एक वेबसाइट पर चले जाएंगे आप तो जब भी, भी कर्सर आप इस हाइपर लिंक पर मूव करेंगे तो इट विल टेक ए शेप ऑफ हैंड दोस्तों ओके okay? इस तरह से हैंड का शेप इसमें आ जाता है बहुत ही खराब है यार मेरी ड्राइंग <laughs> बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था चलिए नेक्स्ट इन वो डॉक्यूमेंट्स द ऑटोमेटिक करेक्शन ऑफ एरर नोन एस तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री ऑटो करेक्ट ऑटो करेक्ट हो जाता है कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो या कुछ भी हो रेड कलर का आ जाता है नीचे जैसे आप क्लिक करेंगे राइट right क्लिक तो उसमें करेक्ट स्पेलिंग भी आपको दिखा देता है दोस्तों ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज जनरली रिटर्न इन विच कोड लैंग्वेज देन द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज़ ऑप्शन वन हो गया दोस्तों तो बाइनरी लैंग्वेज में लिखा जाता है क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ जीरोस और वंस में ही समझ में आता है ओके okay. हमारे बाइनरी नोटेशन तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड इसीलिए हमको जो है असेंबली लैंग्वेज आती है बीच में चेंज करने के लिए बट कंप्यूटर के लिए तो सिर्फ बाइनरी ही समझ में आता है इन्हें कंप्यूटर प्रोसेसिंग वर्क इज़ डन बाई ऑप्शन फोर सी पी यू सी पी यू का काम ही है प्रोसेसिंग वर्क करना ओके okay? एंड uh, ये जो है हार्ट एंड ब्रेन भी कहते हैं कंप्यूटर का टैप की इज यूज फॉर टैप की किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों टू इंडियन डे लाइन दोस्तों ओके टैप की ऑन ए की बोर्ड यूज टू एडवांस द करसट टू द नेक्स्ट टैप स्पॉट ओके अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं टैप में या फिर बेस्ट एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे कोई टेबल है ओके okay. टेबल में एक कॉलम से आप दूसरे रोज से जाना चाहते हैं एक कॉलम से दूसरे कॉलम जाना चाहते हैं तो टैप की भी इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट वेन ए न्यू डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड इट इज एज ऑप्शन थ्री फाइल फाइल की तरह इसको सेव किया जाता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस के नॉट बी रिमूवड कौन सा है जिसमें हम वायरस रिमूव नहीं कर सकते ऑप्शन वन इंटरनेट दोस्तों कंप्यूटर वायरसेस आर वेरी स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट आर डिज़ाइन टू स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ओके सो इंटरनेट इज़ द मोस्ट कॉमन मीडिया हो चुका है आजकल फॉर द स्प्रेड ऑफ वायरसेस तो उसमें से निकालना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों ओके okay. इसीलिए क्या करते हैं आजकल के लोग फायर यूज़ करते हैं क्या करते हैं फायर को यूज़ किया जाता है ताकि हम लोग ऐसे वेबसाइट्स में ना घुसें इट विल प्रिवेंट टू एक्सेस द अनऑथोराइज वेबसाइट्स ओके तो इसीलिए फायर वॉल्स का यूज़ करते हैं नेक्स्ट वॉट डस जी यू आई स्टैंड फॉर जी यू आई स्टैंड फॉर किसके लिए तो करेक्ट आंसर है इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तो ऑप्शन टू इज़ द राइट आंसर इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरफेस समझ लीजिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और हमारे बीच में एक इंटरेक्शन का मीडियम एक्ट करता है दोस्तों नेक्स्ट वॉट डज एच टी टी पी स्टैंड फॉर ए भी मैंने आपको बता दिया हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों राइट इट इज़ एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कोलाबरेटिव हाइपर मीडिया फंक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं सो वी सैट स्टैंड फॉर दैट इज ऑप्शन वन वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल वी सैट स्टैंड फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोरवे टू द वेबसाइट्स की बात करें तो ऑप्शन टू दैट इज़ होम पेज दोस्तों यहाँ देख लीजिए होम पेज इज अ डोर टू द वेबसाइट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस टू फार्मूलास इन एक्सेल स्टार्ट तो ऑप्शन फोर हो गया दैट इज इज इक्वल टू कोई भी फार्मूला हो अब इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंटली एक्सेस मेमोरी इज प्रोवाइडेड बाई तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन थ्री कैश मेमोरी और कैश मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड सी पी यू मेमोरी भी कहते हैं इसको ओके ये पॉइंट आई थिंक मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं बताया तो लिख लीजिए यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं सी पी यू मेमोरी भी कहते हैं ठीक है इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज़ ए कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेस कैन एक्सेस मोर क्विकली ओके और ये भी वो uh, लोटाइल होता है जब भी कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो ये भी चला जाता है दोस्तों उसके बाद ए एस सी डबल आई इज़ यूज फॉर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज अमॉन्ग डेटा प्रोसेस सिस्टम डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एसोसिएट इक्वमेंट्स विथ सेट इज कोडेड कैरेक्टर यूज बाई ए एस सी डबल आई की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन टू हो गया सेवन बिट पहले बताया ना मैंने सेवन बिट बाइनरी इंटीजर्स इसमें यूज़ करते हैं सो वॉट डज एन अनसोलिसिट मेल रेफर टू द करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन थ्री स्पैम हो गया दोस्तों ओके स्पैम नेक्स्ट ए प्रोग्राम रिटर्न इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑप्शन वन असम्बलार कहते हैं क्या कहते हैं असम्बलार असम्बलार इज ए प्रोग्राम दट टेक्स बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन एंड कन्वर्टमेटिव पैटर्न ऑफ बिट्स ओके दैट द कंप्यूटर प्रोसेस कैन यूज टू परफॉर्म द बेसिक ऑपरेशन कुछ भी बेसिक ऑपरेशन हो ओके okay? असेंबलार के जरिए से इसको परफॉर्म किया जाता है दोस्तों चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं द यूनिक सिग्नल जनरेटेड बाई डिवाइस द टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज इन नीड ऑफ इमीडिएट अटेंशन इज कॉल्ड ऑप्शन थ्री हो गया इंटरप्ट क्या है ये इंटरप्ट हो चुका है नेक्स्ट देख लेते हैं सो डैश इज एक्ट ऑफ अटेम्प्टिंग टू अक्वायर इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम्स पासवर्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एवरीथिंग बाई मैस कोरेडिंग एड्रस्वर्ती एंटिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करें तो ऑप्शन थ्री हो गया दोस्तों फिशिंग फिशिंग इज ए टू अक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नेटवर्क तो उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन वन हो गया वैन ओके एम एन है ओके पी ए एन का मतलब क्या है पर्सनल एरिया नेटवर्क दोस्तों मैं सबके लिख देता हूँ यहाँ पे सो पी एन इज़ नथिंग बट इट्स ए पर्सनल एरिया नेटवर्क ओके लैन का आपको पता है लोकल एरिया नेटवर्क ओके उसके बाद वैन का भी आपको पता है वाइड एरिया नेटवर्क हम जिसे कहते हैं पहले भी मैंने बताया आपको वाइड एरिया नेटवर्क हो गया ओके नेक्स्ट मैन मैन इज रहते बट क्या जाता मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क ओके कभी फुल फॉर्म पूछे तो याद रख लेना मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क रैन ऐसा कोई चीज़ नहीं होती है सो ऑप्शन राइट आंसर ब्लूटूथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन वन पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसे हम पैन कहते हैं ना पर्सनल एरिया नेटवर्क इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स बूटिंग मीन्स क्या होता है बूट करने का मतलब क्या होता है दोस्तों स्टार्टिंग द कंप्यूटर स्टार्टिंग द कंप्यूटर या फिर रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर इसमें बूटिंग में आपको दो तरह के होते हैं मैंने पहले भी बताया था आपको कोल्ड बूटिंग एक होता है ओके और दूसरा क्या होता है वार्म बूटिंग एक होता है वार्म बूटिंग कोल्ड बूटिंग में क्या करते हैं दोस्तों अगर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कोल्ड बूटिंग कहते हैं वार्म बूटिंग मतलब आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर रहे हैं मतलब एक्चुअली सिस्टम आपका ऑलरेडी ऑन हो चुका है बट कुछ कारण अवश्यक आप उसको फिर दोबारा री कर रहे हैं तो उसको वार्म बूटिंग कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर कौन सा दिए हुए ऑप्शन में सॉफ्टवेयर है तो ऑप्शन थ्री जावा दोस्तों यहाँ देख लीजिए इज अ सेट ऑफ सेवरल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिकेशन डेवलप बाय सन माइक्रो सिस्टम्स दोस्तों राइट चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हैकिंग रेफर्स टू क्या है हैकिंग करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ दी दबो दोस्तों जो एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग इनटू अदर्स कंप्यूटर सिस्टम एक्ट ऑफ रिकॉन्फिगिंग और रीप्रोग्रामिंग ये भी करेक्ट है एक्ट ऑफ इंक्लूडिंग समवन एल्स पर्सनल कंप्यूटर में भी जाना ये भी हैकिंग से मतलब है द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्न डेटा इंटू प्राइमरी पर्पज़ क्या है वो इंपॉर्टेंट है तो ऑप्शन टू हो गया दैट इज इजार्मेशन द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्न डेटा इंटू इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट विच अमंग द फॉलिंग इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस की बात करें तो ऑप्शन थ्री हो गया मॉडर्न दोस्तों एंड विद शॉर्टकट की शुड बी प्रोसेस टू मूव द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन फोर हो गया कंट्रोल प्लस एंड ठीक है एंड विच बुलियन ऑपरेटर इज़ यूज टू मैच ऑल ऑफ वर्ड्स इन यूर स्क्रैच तो ऑप्शन वन हो गया दोस्तों एंड इस राइट आंसर ठीक है चलिए फोर फिफ्टी क्वेश्चन तक हम आ चुके हैं अभी सिर्फ तीन चार पेजेस बचे हैं मतलब और फिफ्टी क्वेश्चन बचे हैं फाइव हंड्रेड तक पहुँचने के लिए ओके उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा इसका मैं कंपाइलेशन भी आपको दे दूंगा दोस्तों ताकि आप एक ही वीडियो में आ, सब कुछ इजीली पढ़ सकते हैं राइट तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में अगले इंटरेस्टिंग कुछ टॉपिक में तब तक के लिए धन्यवाद टेक केयर स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी दोस्तों